सास को खुश करने के तीन तरीके। तीन तरीके सास को खुश रखने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। मेरी मर गई। मर गई। अंदर खाते शॉपिंग करा दूंगा सास को, सास खुश हो जाएगी। इसके बहन की शादी हुई, इससे पूछ, इसको पता होगा ना। सास को खुश करने के तीन तरीके हमने पूछने हैं कराची के लोगों से। हम आए हैं साहिल समुंदर पे, लोग आए हैं यहाँ पे, मर्द हजरात, ख्वातीन हजरात, बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं। सबसे पूछेंगे कि सास को खुश करने के दो या तीन तरीके कौन से हैं। जवाब सुनते हैं। अच्छा, अगर मेरी सास होगी तो ये है कि उसकी बीवी का, अपनी बीवी को खुश रखूंगा, वो तो सास ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। एक पहला। दूसरा, अंदर खाते शॉपिंग करा दूंगा सास को, सास खुश हो जाएगी। तीसरा, तीसरा ये है कि बस जो भी चीज सास दे, खाना खुना खिलाए, बस ऐवें तरीफे करी जाऊं। जहर दे दे फिर। जहर क्यों देगी, उसने अपनी बेटी दी है, वो जहर कम है। जो भी पकाए वहाँ माजी, क्या जायका आपके हाथों में, माशाल्लाह। घर पे खाना नहीं होगा है? नहीं, जब हम जाएंगे अपने ससुराल वगैरह, वो खाना तो पड़ेगा बेटा। चाय में चीनी नहीं होगी, फिर भी कहोगे बड़ी अच्छी चाय बनाई है। तो जाहिर बात है, मजबूरी के मारे करना पड़ता है। बस एंजॉय कर रहे हैं। बेटी को अगर खुश रखोगे क्या, बेटी को खुश रखेंगे तो सास भी खुश होंगी। तो जाहिर सी बात है, उसको भी अम्मी की तरह समझते हैं अपनी। तीन तरीके बताए। तीन तरीके, बस ये एक तरीका बताया ना। दूसरा, बस दूसरा उनकी बेटी को खुश रखूंगा तो बस अच्छा लगेगा उनको। तीसरा, और तीसरा ये है कि उन और उनको उनको घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सास के घर पे लेके जाएंगे तो खुशी खुश। कितना लेके जाते हैं? बहुत ज्यादा। उधर ही बड़े रहते हैं? हम अपनी फैमिली अलग एंजॉय देखे, आज एंजॉय करने के लिए आ गए। तीसरा तरीका नहीं बताएंगे? तीसरा तरीका बताया ना मैंने आपको, कि उनको भी अपने कहीं भी बोलेंगी तो लेके जाएंगे तो सास भी खुश। अच्छा, मतलब बीवी को भी लेके जाओ, सास को भी लेके जाओ। नहीं, मतलब सास कभी कभी कहीं जाना है कहीं पे भी कि कुछ है, हमारे घर पर आई, उनको छोड़ने के लिए बोलेंगे मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप नहीं जाएं तो खुश होंगी। एक तो उनकी बेटी को शॉपिंग कराते रहो, और दूसरा उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ में हाँ मिलाते। सास को खुश रखने के तीन तरीके, उसकी उसकी बेटी से प्यार करे और सास की खिदमत करें, बस यही है। सास की खिदमत में क्या क्या आता है? बस वो घरेलू माहौल के हिसाब से। दो तरीके हो गए, तीसरा बस की बेटी को खुश रखना, वो तो पहला तरीका आपने बता दिया। दूसरा सास की खिदमत करें, और सास ससुर की खिदमत करेंगे, कोई काम का जो कोई उन्हें पेश पेश कि वो कुछ उनकी सुनना, कुछ हमारी मनाना। एक सवाल है, मुबारक सवाल है। एक सास को खुश करने के तीन तरीके बता दें। सास मेरी मर गई। मर गई कब? बहुत साल हुए। कितने? 14 साल। 14 साल जब थी तब कैसे खुश रखते थे? तीनों खुश रखो, आप ही सास खुश है। उसकी बेटी को खुश रखो तो वो खुद ही खुश हो जाएगी। बेटी को कैसे खुश रखें कि भाई सास खुश रहे कि वाह यार मेरा दामाद क्या काम है? नहीं, बेटी सारी बात है, बेटी खुश हो तो उसकी माँ खुश रहेगी ना। नहीं ना, अभी होनी है मेरी। अच्छा चाचा, आपने कभी सास को जैसे खुश रखा तो कैसे रखा है? सास से साड़ी हमेशा खुश रहती है, वो जी खुश रहती है, खुश रही है। खुश रही है, खुश रही है। वैसे तीन तरीके नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? तीन तरीके कौन से हों? इधर आए ना, क्या कहा उसने? जी मैंने समझ नहीं आया, उसने मशवरा दिया है? नहीं नहीं, मैंने पता लगा किया क्या है? पता नहीं लगी किया क्या। फिर भी कोई तीन तरीके बता दें सास को खुश रखने। सास को खुश रही, बच्ची ना शुरू का अच्छा करो,
और उन्होंने खानदान सलूक अच्छा करो, ऐसा समझे तो आपे खुश रहे मेरी उसकी बेटे के साथ सलूक अच्छा करे। हाँ सलूक करे। सास को खुश रखने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं। ये तीन तरीके हो गए। हाँ ये तीन। वाकई? जी बिल्कुल वाकई। आप मतलब खुश नहीं है? नहीं मैं बहुत खुश हूँ। आप दुनिया में किसी को भी खुश नहीं रख सकते, ठीक है? ये आप हम किसी को भी खुश नहीं रख सकते। आप कितनी भी कोशिश कर ले आप एक वक्त में सबको खुश रख ही नहीं सकते। अगर आप सोचें कि इन लॉज हैं, ये हमारा मेका है तो हम उसमें एक टाइम में सबको खुश रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हदीस में भी हमने सुना है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या हालक को खुश कर लो या हलकत को खुश कर लो। हलकत में मतलब एक सास है जो कभी खुश नहीं हो सकती? नहीं हो जाती है, कभी खुश हो जाती है कभी दुखी हो, ज्यादातर नहीं होती। उनकी अपनी भी तो पर्सनल लाइफ होती होगी ना, और एक्सपेक्टेशन भी होती है कि मुझे मेरी बहू खुश रखे। वो खुश रखने के तरीके क्या है सास की नजर? नहीं आप सास को खुश रखने के तरीके ये है कि आप सास को घर के काम करें, खूब सारे करें और करते रहें, और उसके बाद बोले कि मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है। पहला तरीका तो ये है। आप काम करते रहें लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया, फिर वो खुश होंगे। आप बोले कि नहीं नहीं मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है, वो खुश होंगे। उससे तो नाराज होंगे? नहीं वो नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल ही नाराज होंगे। तीन तरीके सास के बाद मानो, सास को अच्छा खाना खिलाओ। सच बताएं? हाँ नहीं सच, दिल की बात बताएं, उसको खुश रखें। हंसी से लग रहा है। नहीं मेरा मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए इसके साथ। हाँ तो वो कह रही है ना सास को खुश रखो, सास का कहना मानो वो खुद ही खुश हो जाएगी। ना मानो तो वो फिर गुस्से में घर का नहीं घुमाएगा फिर आएगा बंदा। सास को खुश रखने के तीन तरीके बताएं। सबसे पहले तो उसकी बेटी को खुश रखो। अच्छा कैसे? सास खुश रहेगी ऑटोमेटिक। कैसे खुश रखे? खेल उसको खिलाए पिलाए कपड़ा मपड़ा हर। अच्छा दूसरा तरीका? घर लेके जाओ। दूसरा तरीका? तीनों तरीका देख, शादी होगी ना घर लेके चल जाना, घर में उसको माथे मिलवा देना। सास को खुश रखने के एक सास का कहना मानना। और सास को खुश रखने नहीं, सास को खुश रखने के बड़े तरीके हैं। सास की खिदमत करे, उसके कहना माने सास का, और अब यही है कि उसके घर वालों का ध्यान रखे ससुराल का, और सास को भी खुश नंदों का ध्यान रखे ख्याल करे। आप से खुश है सारे? मैं आप खुश हैं? बहुत खुश है।